हेलो एवरीवन, ये स्टामिक हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 15 है एंड आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नैद यहाँ सोच रहा होता है कि इस बंदरिया से कैसे बचा जाए। यहाँ अंकल को दिखाते हैं जो कि रैप कर रहे होते हैं, तभी रोज चीखती है। वह कहते हैं क्या हो गया, कहती है एक्साइटेड थी मैं इसलिए। रोज के पास कॉल आता है नैद का, कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। यहाँ पे मेरे को दिखाते हैं जो रेडी होकर आती है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। शांत उसे देखते ही रह जाता है। बट जब ये लोग जा रहे होते हैं तो डैड बोलते हैं कि हमें काम है, हमें मेकअप में जाना है, तो तुम्हें तो मेरे साथ चलना होगा, हम पिमी को छोड़ते हुए चले जाएंगे। शॉन कहता भी है उनसे पिमी के साथ जा रहा था वह, बट उसके फादर नहीं मानते हैं। मैं तो ये सब देख रहा था, पिमी से कहता है अगर तुम्हारे फ्रेंड्स लोग के साथ वापस नहीं आती हो तो तुम मेरे पास कॉल लगा देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। यहाँ रोज पहुँच जाती है। नैद अंदर जाने लगता है, नाई आकर कहती है मैं तुम्हारा कब से यहाँ वेट कर रही थी। तभी पीछे से रोज आती है, कहती है तुम इतनी जल्दी क्यों चल रहे थे, देखो मैंने कितना कुछ उठाया हुआ। कहती है वह नैद के साथ ही रहती है और बहुत थकी हुई है, अब तो जा रही है। बट ये कहती है जब तक उसको पक्का यकीन नहीं हो जाता वह तो यही रहने वाली है। रोज कहती है उसका लगता है अभी कोई इरादा नहीं है जाने का। रोज कहती है उसने अपने बेनिफिट के लिए उसकी हेल्प की है, मैंने तुम्हें बचाया था, तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी ना। रोज तो मैथ को पैक करने का सारा सामान लिखा रही होती है। नैद उसको मुस्कुराकर देख रहा होता है। यहाँ मैथ को दिखाते हैं जिसका ध्यान ही नहीं लग रहा होता, उसे बस वही बात याद आ रही होती है जब ये दोनों मैरिज की बात कर रहे थे। गुस्से में बुक क्लोज करके कहीं जाता है। तुल्याना बाहर निकलती है, यहाँ मैथ आया होता है। मैथ तुल्याना से कहता है कहाँ जा रही हो इतनी रात को। तुल्याना कहती है नैद के घर जा रही हूँ, मम्मी ने कहा था उसे ये देने के लिए। वह कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, इसने काफी वेट कर लिया था सो चली जाती है। तो लैना कहती है मैं देने जा रही हूँ। मैथ कहता है मैं तुम्हारा यही वेट कर रहा हूँ। यहाँ नैद को दिखाते हैं जो कि रोज का काम कर रहा था। रोज आकर देखती है तो खुश हो जाती है, वाओ तुमने इतने सारे पैक कर दिए। नैद कहता है तुमने मुझे ऑर्डर दिया था, उसकी नकल करता है मैं बात लेने जा रही हूँ, तब तक ये काम हो जाना चाहिए। नैद कहता है तुमने मेरा स्लीपिंग वेयर पहना है। वह कहती है मेरे कपड़े बहुत ही स्मेली थे सो बात लेने के बाद वह थोड़ी ना पहनती, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है ना। रोज कहती है वो तो बहुत ही अच्छे से वॉक कर सकती है, उसको चल के दिखा रही होती है। वॉक करते करते सच में उसका पैर फंस जाता है, जाती है सीधा नैद के ऊपर एंड कुछ ऐसा हो जाता है। इधर अब ये दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं, तभी एंट्री होती है तुल्याना की जो इन्हें ऐसा देखती है। ये दोनों जल्दी से उठते हैं। तुल्याना कहती है मॉम ने आपके लिए भेजा था। रोज कहती है मुझे भी कुछ समय पहले ही पता चला आंट और अंकल तुम्हारे मॉम डैड हैं। रोज उसे एक्सप्लेन करती है वह यहाँ क्यों आई थी, किस तरह से गिर गई थी। कहती है मेरी ड्यूटी तो यहाँ से खत्म हो चुकी है, मैं बस जाने ही वाली थी। तुल्याना कहती है कोई बात नहीं, मैं तो बस ये देने आई थी, जाने लगती है। नैद उसे रोकता है, कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। रोज कहती है वह भी जा ही रही है। अब यहाँ पार्किंग में मैथ नोटिस करता है यहाँ रोज की कार खड़ी हुई है, उसे कॉल करता है। वह कहती है मैं तो एक फ्रेंड के घर आई हुई हूँ। जब ये तीनों यहाँ आते हैं तो मैथ भी समझ जाता है रोज यहीं पर थी। रोज से कहता है मैथ तुमने तो कहा था तुम किसी फ्रेंड के यहाँ आई हो। रोज उसे बताती है यही मेरा फ्रेंड है एंड सिचुएशन देख के वहाँ से खिसक लेती है। अब मैथ के सामने ही नैद तुल्याना का हाथ पकड़ता है, कहता है मैं तुल्याना को घर छोड़ दूंगा। तुल्याना नैद के साथ चली जाती है। मैथ दुखी उदास खड़ा होता है वहीं पर। देन नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं मीटिंग में, नैद प्रेजेंटेशन देता है। नैद कहते हैं हम लूसी वर्ल्ड को मनीन वर्ल्ड से पहले ओपन करेंगे। मैथ तुल्याना की तरफ स्माइल करके देखता है और तुल्याना भी उसकी तरफ स्माइल करती है। देन वन मंथ का टाइम स्किप होता है, ये दोनों नोए के बेबी से मिलने आए होते हैं। जब मैथ बेबी को खिला रहा होता है तुल्याना उसे बहुत ध्यान से देख रही होती है। आफ्टर दैट 3 वीक्स का टाइम स्किप होता है, अंकल रोज से कहते हैं तुम इतनी बातें कर रही हो, क्या लगता है इतने सारे पैकेट सेल हो जाएंगे। रोज बहुत कॉन्फिडेंट होती है। यहाँ पर काम करते करते तुल्याना एक जगह खड़ी हो जाती है, उस पे कुछ गिरने ही वाला होता है, बट नैद आकर उसे बचा लेता है एंड मैथ बेचारा खड़ा देख ही रहा होता है बस। तुल्याना कहती है वह ठीक है। यहाँ पे मी काफी उदास होती है क्योंकि शॉन किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। एंड 1 मंथ का टाइम और स्किप होता है, नैद को तुल्याना के रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। तभी रोज आती है उसे खाने के लिए कहती है, मॉम डैड भी देख रहे होते हैं उन्हें। जब वह खाने लगता है उससे कहती है नहीं तुम्हारे हाथ गंदे हैं और खुद खिलाती है। वह कहता है बहुत ही डिलीशियस है। यहाँ तुल्याना आती है, नैद कहता है तुमने सच में ही बनाया है ये। रोज कहती है हाँ और उसे खिला रही होती है। तुल्याना इन्हें देखती है बट कुछ रिएक्ट नहीं करती। 2 मंथ्स बाद ये दोनों साथ में पेंट कर रहे होते हैं। तुल्याना के हेयर बार बार उसके आंख पर आ रहे होते हैं, तभी उसकी कैप गिर जाती है एंड तुल्याना को हम फर्स्ट टाइम लॉन्ग हेयर्स में देखते हैं जो कि बहुत ही
ब्यूटीफुल लग रही थी। मैं तो उसे देखने लगता है तो लियाना देखती है कि उसके हाथ गंदे हो रहे हैं। मैं तुटकर आता है और तुलियाना को रोकता है, उससे रबर बैंड लेकर खुद उसकी चोटी बांधने लगता है। तब यहाँ से नैत निकलता है एंड इन दोनों को देखने लगता है। यहाँ तोम को दिखाते हैं, फिर यहाँ पे आनु आती है और वहाँ तो उसे देखते ही रह जाता है, उसके पास जाके फ्लर्ट करने लगता है। ये सभी उससे कहते हैं तुम सिग्नल चाहते हो कि नहीं। एंड आफ्टर वन मंथ बाद हमें दाक्षा को दिखाते हैं जो कि कह रहा होता है उसने लॉयर से अपॉइंटमेंट लिया है एंड खुद के बेबी को खिला रहा होता है। यहाँ मैथ को एक्वेरियम में दिखाते हैं, तुलियाना भी एक्वेरियम में होती है, ये दोनों ही एक्वेरियम देख रहे होते हैं। तभी तुलियाना के पास अचानक से कोई आ जाता है। तुलियाना कहती है तुम जरूर दाक्षा के लोग होंगे, तुम जेल जाओगे, उसे पंच करने वाले होते, बट ये तो मैथ निकलता है। कहता है मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता तुम पहले मैन जैसे रहती थी। तुलियाना कहती है मैं जा रही हूँ। मैं तो उसे रोक लेता है, उसके हाथों को पकड़ के थैंक्स बोलता है उसके साथ मिलकर उसका ड्रीम पूरा करने के लिए। तुलियाना कहती है ये आपके अकेले का ड्रीम नहीं था, मेरा भी ड्रीम था। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं तुलियाना को मैनेजर बना दिया जाता है, डैड को ऑपरेशन के लिए ले जा रहे होते हैं एंड मैथ को इस बात का भी कुछ पता नहीं होता। अंकल आंटी के रेस्टोरेंट में काफी सारी भीड़ होती है, रोज बहुत बिजी होती है। तब यहाँ नैत आता है बनाना लीव्स लेकर, रोज उसे कुछ और काम दे रही होती है। नैत कहता है देखो मैं लंच टाइम में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, इसके बाद तुम मुझे और काम दे रही हो, मुझे काम है, वहाँ से चला जाता है। रोज कहती रह जाती है मीटिंग के बाद तो हेल्प कर देना मेरी। डैड और मॉम इन दोनों को देख रहे होते हैं। यहाँ तुलियाना और मैथ को दिखाते हैं दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं डॉल्फिन के साथ। यहाँ तुलियाना मैथ को बताती है मैंने एक पर्सन सेलेक्ट कर लिया है जिस जो कि डाइविंग टेस्ट के लिए आया था, अभी उस पर्सन को बुलाते हैं, उसका नाम प्रिचा होता है। देन वह एक डाइविंग टेस्ट के लिए जाता है, तुलियाना एंड मैथ दोनों देख रहे होते हैं उसे। तुलियाना कहती है काफी अच्छा है, एक्सपीरियंस्ड है, हमें सारे एनिमल्स के फूड के साथ साथ साफ सफाई का भी ध्यान रखना होगा। मैथ तुलियाना से कहता है क्या तुम न्यू टास्क के लिए रेडी हो। तुलियाना कहती है हाँ रेडी हूँ एंड दोनों हाई फाई करते हैं। यहाँ पिमी को दिखाते हैं, शॉन आता है उसकी आईज क्लोज करता है, पिमी पहचान जाती है शॉन है। वह कहता है तुम्हें कैसे पता चला। पिमी कहती है मुझे आंट ने बताया आप मुझे बिना बताए बैंकॉक चले गए थे। शॉन कहता है उसे काम था, अभी तक इन्होंने पिमी को भी नहीं बताया है डैड की कंडीशन के बारे में एंड बैंकॉक वह डैड के पास ही गया था। अब लूसी वर्ल्ड की ओपनिंग होने वाली थी। शॉन कहता है मैथ के बर्थडे के दिन ही ओपनिंग होगी, डैड ने डिसाइड किया है। तभी शॉन के पास कॉल आ जाता है उसकी मॉम का, उसके डैड की कंडीशन काफी क्रिटिकल थी एंड शॉन वहां से इमीडिएटली निकल जाता है पिमी को कुछ कहे बिना ही। नैत और रोज को दिखाते हैं जो कि डिलीवरी करने आए थे एंड जब ये लोग यहां पहुंचते हैं तो यहां पे आती है नाए, वो भी कुछ इस होलिये में। यहाँ पे हमें पता चलता है नाए को एक दूसरा बंदर मिल गया होता है। उन लोगों के जाने के बाद रोज कहती है बुल और राइनो की जोड़ी अच्छी है। मैथ भी हंसने लगता है इसकी इस बात पर। यहाँ ये दोनों वर्क कर रहे होते हैं तभी मैथ के पास कॉल आता है शॉन का। शॉन कहता है कि रेड नहीं आ सकते हैं ओपनिंग में। मैथ नाराज हो जाता है, कहता है ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम था जो वे नहीं आ रहे हैं। शॉन को मना किया था डैड ने बताने को, वह बता भी नहीं सकता था। मैथ इस बात से बहुत हर्ट होता है, कहता है वह मेरी बिल्कुल केयर नहीं करते हैं, उनकी लाइफ में मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तुलियाना उसे समझाती है तुम एक दिन उन्हें जरूर प्राउड फील कराओगे। तुलियाना के साथ रहने की वजह से मैथ अच्छा फील करता है। रोज काफी देर से शांत बैठी हुई थी, नैत उससे पूछता है। रोज उसे कहती है अब नाए नाम की मुसीबत तुम्हारी लाइफ से चली गई है, तुम मेरी हेल्प करने नहीं आओगे ना जैसे पहले आते थे। नैत कहता है कहीं तुम सच में तो कुछ फील नहीं करने लगी। रोज कहती है नहीं, उसकी फीलिंग्स ओनली मैथ के लिए है। यहाँ तुलियाना आती है इन्हें इवेंट के बारे में बताती है जिसके बाद ये सभी लोग जाने लगते हैं। नैत रोज को रुक कर देखता है, रोज गहरी सोच में बैठी होती है। नेक्स्ट डे तुलियाना इवेंट की तैयारी कर रही होती है, नॉय उससे बताती है कल इवेंट के साथ साथ मैथ का बर्थडे भी है। तुलियाना कुछ सोचने लगती है। यहाँ पिमी मैथ को एडवांस में बर्थडे विशेस देती है, साथ में पिमी डैड का भी पूछती है वह कब आ रहे हैं। मैथ का मूड खराब हो जाता है क्योंकि उसे पता है डैड नहीं आ रहे हैं। रोज यहाँ अपसेट बैठी होती है, मोम एंड डैड बात कर रहे होते हैं, पहले कभी इसको इतना अपसेट नहीं देखा। तभी यहाँ नैत आ जाता है एंड रोज के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। देन सीरियस फेस बनाकर उससे पूछती है क्या तुम आज फ्री हो, इसलिए हेल्प के लिए आए हो। नैत कहता है नहीं आज मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। रोज एक्साइटेड हो जाती है, कहती जरूर वही होगी ना, कहाँ पर है वो, उसे मैं हैंडल करती हूँ। नैत कहता है नहीं नाए नहीं है, मुझे तुलियाना के मैटर में तुम्हारी हेल्प चाहिए। शीन यहाँ शिफ्ट होता है, नैत
रोज़ की डायमंड शॉप पर आया होता है रिंग बाय करने के लिए। नैत उसे कहता है वह तुल्याना के लिए इंगेजमेंट रिंग ले रहा है। रोज़ बिल्कुल भी खुश नहीं होती। नैत रोज़ से ही कहता है रिंग चूज करने के लिए एंड मेजरमेंट के लिए उसे पहना कर भी देखता है। रिंग तुल्याना के साइज की नहीं थी। रोज़ कहती है वह कल ले आएगी सही करवा कर साइज। यहाँ तुल्याना को दिखाते हैं जो कि कुकिंग कर रही थी। तभी उसके पास मैथ का कॉल आता है। वह कहता है तुम अभी तक जागी हुई हो। तुल्याना कहती है अभी सोने का वक्त नहीं हुआ है। मैथ कहता है भले तुम्हें नींद नहीं आ रही है मगर सो जाना चाहिए, कल इम्पोर्टेंट डे है। काम करते करते तुल्याना को जवाब नहीं देती। मैथ कहता है कहीं तुम सो तो नहीं गई। तुल्याना कहती है नहीं। तुल्याना कहती है कुछ और काम था क्या। मैथ कहता है वह उसे मिस कर रहा था एंड कॉल कट कर देता है। तुल्याना स्माइल कर रही होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है गाइस। बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।